नैकिन थाना इलाके में 54 यात्रियों से भरी बस नहर में गिर गई। मध्य प्रदेश के सीधी से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी वहां से आ रही हैं। सीधी के रामपुर नैकिन थाना इलाके में 54 यात्रियों से भरी हुई बस नहर में गिर गई। अब तक 38 शव निकाले जा चुके हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद 7 लोगों को बचा लिया गया, 7 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि ड्राइवर तैरकर बच निकला, जिसे हिरासत में लिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बस हादसे को लेकर सीधी के कलेक्टर से बात की है। दर्दनाक हादसे को देखते हुए शिवराज सिंह ने गृह प्रवेश कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। जैसे ही यह हादसा हुआ, हालांकि ट्वीट करके उन्होंने अधिकारियों को मोर्चा संभालने के लिए भी कहा। सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए, मौके से कहा भी जा रहा है कि कलेक्टर से भी उन्होंने बातचीत की और रेस्क्यू वहां पर लगातार जारी है। अभी भी कई लोग लापता हैं, उनको ढूंढने की कोशिश भी वहां पर की जा रही है। 38 शव अभी तक बरामद कर लिए गए। 54 लोग बस में सवार थे। किस वजह से ये हुआ, क्या लापरवाही की गई थी, क्या आखिर हुआ था, किस वजह से हादसा हुआ, इसको लेकर लगातार पुलिस के अधिकारी जांच पड़ताल भी कर रहे हैं, लेकिन प्राथमिक तौर पर रेस्क्यू किया जा रहा है। वहां पर लोगों को खोजबीन की कोशिश के जरिए निकालने की कोशिश भी है, खोजबीन की जा रही है, यात्रियों की तलाश भी वहां पर की जा रही है। 38 शव अभी तक निकाल लिए गए और बस चालक को हिरासत में लिया गया है, जो पानी में से तैरते हुए बाहर निकला, और साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया सरकार की तरफ से। सीधी से सतना की तरफ ये बस जा रही थी, उसी वक्त ये हादसा हुआ। एमपी के सीधी जिले में बड़ा हादसा हुआ है, नहर में बस गिरी बाणासागर झील, जिसमें बस के गिरने की खबर मिली प्रशासनिक अधिकारियों को। तुरंत अधिकारी मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू का काम वहां पर शुरू कर दिया गया। और साथ ही साथ ये बड़ी जानकारी है, दर्दनाक हादसे को देखते हुए शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश गृह प्रवेश को स्थगित कर दिया है, ये जानकारी मिल रही है। और साथ ही साथ 7 लोगों का अभी तक रेस्क्यू किया गया है, 7 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। ये सभी लोग सतना की तरफ जा रहे थे, अब कहाँ के ये सभी रहने वाले हैं, कहाँ कहाँ से ये ताल्लुक रखते हैं, इसको लेकर तो जांच पड़ताल, लेकिन प्राथमिक तौर पर अभी जितने भी लोग लापता हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश, उनको ढूंढने की कोशिश वहां पर चल रही है। पानी बहुत गहरा है, जिस वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें वहां पर आ रही हैं। 38 लोगों के शव बाहर निकाल लिए गए और साथ ही 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया मृतकों के परिजनों के लिए। 54 यात्रियों से भरी ये बस जा रही थी, कहा यह जा रहा है कि जिस रूट पर ये बस निकल कर जा रही थी, जिस रूट से होते हुए जा रही थी, वहां पर सड़कें बहुत संकरी थी, जिसकी वजह से भी ये हादसा हुआ। और कहीं ना कहीं लापरवाही भी साफ तौर से बस चालक की भी और ओवरलोड होने की बात भी निकल कर सामने आ रही है। अमूमन आप देखते हैं कि जिस रूट पर बस को चलना है, अगर उससे हट के बस चलती है, ऊपर से फिर ओवरलोड है, तो फिर कई जगहों से हादसे की खबरें भी आती हैं। यहाँ से भी यही खबर है, एक तो ओवरलोड, ऊपर से संकरी जो सड़कें थी उस वजह से भी हादसा हो गया, उसके बाद नहर में बस गिर गई, जिसके बाद ही 38 लोगों की जान चली गई है, 38 लोगों के शव निकाल लिए गए। 54 यात्री इस बस में सवार थे और लगातार वहाँ से और डिटेल्स भी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप तक पहुँचाते रहेंगे।